और भारी बारिश के चलते ओबेदुल्लागंज में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मंडीदीप, ओबेदुल्लागंज समेत आसपास की निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। जहां जल भराव की स्थिति है वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ओबेदुल्लागंज क्षेत्र के तीनों बड़े बांध रातापानी, दाहौत और आमछा से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे गोदर नदी ने विकराल रूप ले लिया। इस कारण से ओबेदुल्लागंज भोजपुर मार्ग बंद हो चुका है। करीब 25 गांव के लोग घरों में कैद हो चुके हैं। साथ ही मौसम विभाग ने और ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। मौजूद हूं भोपाल जबलपुर हाईवे पर ओबेदुल्लागंज के पास। ये बिसनखेड़ा गांव है और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक रेलवे क्रॉसिंग है जहां से लगभग 18 से 20 गांव हैं जो इस पुल को पार करके जाते हैं, क्योंकि ऐसे अलग अलग तीन पुल बने हुए हैं, जो कि एक नानाखेड़ी और एक ये प्रेम तालाब का जो पुल है और एक इटाया कला। इन पुलों के अंडरब्रिज के अंदर इसी तरीके के हालात हैं, बने हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार इस तरफ दिखाएं कि इस घर के नज़दीक देखिए ये पानी किस तरीके से आ चुका है। और ये पूरा का पूरा रास्ता अंडरब्रिज के बाद भी ये पूरा का पूरा रास्ता यहाँ तक है। और ये पीछे देखिए हाईवे है, ये पानी लगभग हाईवे को टच कर रहा है। लगभग 5 फीट की दूरी इस हाईवे से बची है। हालांकि अगर और पानी गिरता है तो ये जो पानी है ये इस हाईवे को टच कर जाएगा, कहीं ना कहीं हाईवे भी प्रभावित यहाँ पर हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये पानी कब से गिर रहा है? पानी आज 24 घंटे 48 घंटे हो चुके हैं, 2 दिन से। क्या स्थिति है पानी के बाद, बारिश के बाद? अभी सब यातायात सब बंद हो चुका है और जो ग्रामीण में वो वहीं फंसे हुए हैं, बाकी निकलने का कोई साधन नहीं होने को बस। तो आप लोग, ये बारिश इतनी हो रही है पर आप लोग आवागमन कैसे कर रहे हो, क्या स्थिति गांव की? कुछ जो आपका रोजमर्रा का जो काम है या बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो कैसे जा पा रहे हैं? बिल्कुल, 2 दिन से पूरा बंद है, घूम के आना पड़ता है 8-1 किलोमीटर टोल के दर से नानाखेड़ी से। हाँ, तो नानाखेड़ी अंडरब्रिज की क्या पोजीशन? वो तो खाली है, फिर चालू है थोड़ा बहुत। पूरा भरा नहीं है, चालू लगी है, वो खाली हो जाता है। तो खाली है, ज्यादा बारिश होती है तो वो कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता है, बाकी वो खाली हो जाता है। बाकी मंडखांसिया के बीच में एक पुलिया पड़ती है नानाखेड़ी को क्रॉस करने के लिए, उसमें अलवत पानी जाता है तो वो बंद कर देती है। फिर भोजपुर, आपका जो भोजपुर रोड है वो भी बंद है? हाँ, वो तो सभी बंद है, इधर भी हम भी बहुत परेशानी में है। कौन से गांव से? पडार कांसिया से। उधर से भी बंद है रास्ता, यही है। और उधर वो मड़कांसिया की पुलिया आ जाती, उधर भी बंद हो जाता है। आवक दावक बंद ही है पूरा, इधर से आना जाना ही नहीं है। अभी जो नानाखेड़ी का थोड़ा बहुत खाली हुआ है तो उसमें से निकल रहा है। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं ये ग्रामीण बता रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गाँव ऐसे भी हैं जो कि इस लगातार हो रही बारिश के बाद टापू में तब्दील हो गए। लेकिन लगातार जिस तरीके से डैम, नदी, नाले उफान पर हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं रहवासियों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये बारिश अब देख धीरे धीरे आफत की बारिश होती जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, ओबेदुल्लागंज।